उन्नाव रेप केस के दोषी और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सेंगर की सजा पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे फैसला सुनाते हुए 25 लाख रुपए जुर्माना का भी ऐलान किया है। कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने सजा सुनाई तो उनने जज के सामने हाथ जोड़ लिए। बता दें कि इससे पहले जज धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सेंगर के वकील की तरफ से दिए गए हल्फनामों को पढ़ा और केस में बहस हुई। सेंगर के दस्तावेजों के आधार पर उसकी कुल चल और अचल संपत्ति 44 लाख रुपए आंकी गई है। सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि इसका मूल्य फिलहाल घट चुका है क्योंकि उनकी कार की कीमत कम हो चुकी है। इसके अलावा सेंगर की बेटी का मेडिकल में दाखिल कराया गया है जिसकी फीस देने के बाद ये रकम और कम हो जाएगी। वहीं पीड़िता के वकील ने कहा कि उन्नाव की पीड़िता का घर पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा पीड़िता के पिता के पास 3 भाइयों के बीच कुल 3 बीघा जमीन है। पीड़िता के वकील ने कहा कि विधायक ने अपने अपराध को छुपाने के लिए ना सिर्फ केस को वापस लेने का दबाव बनाया बल्कि विधायक होकर ऐसा काम किया। अगर देश को चलाने वाले लोग जिन पर जनता की रक्षा का दायित्व है वो ऐसा करेंगे तो फिर उनको सजा भी अधिकतम होनी चाहिए। बता दें कि सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया गया है। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की है। 16 दिसंबर को दिल्ली की 30,000 अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने का आदेश दिया। मंगलवार को सुनवाई के बाद दोषी विधायक को सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने 20 दिसंबर यानी शुक्रवार का दिन तय किया था। उस दिन अदालत ने कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। उन्नाव रेप कांड जघन्य साजिश हत्या और दुर्घटनाओं से भरा हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। उन्नाव के बंगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उनके घर के करीब रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी एक महिला के साथ 4 जून 2017 को नौकरी मांगने के लिए पहुंची थी। जो महिला किशोरी को लेकर वहां गई थी उसका नाम था शशि सिंह। वो सेंगर की करीबी थी। उसी के बाद अचानक एक दिन उस किशोरी ने खुलासा किया कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है। लड़की और उसका परिवार थाने के चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों से गुहार लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने कोर्ट की शरण ली, तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद शुरू हुआ किशोरी के परिवार पर जाति का सिलसिला। लड़की पर लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा था, उसे मुकदमा वापस लेने के लिए कहा जा रहा था लेकिन ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के खिलाफ सूबे की पुलिस जांच में लीपापोती कर रही थी, लड़के के परिवार को धमका रही थी लेकिन पीड़िता ने इंसाफ की आस नहीं छोड़ी। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो अप्रैल 2018 में जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। उसी वक्त सीबीआई की टीम ने आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए बुलाया। अधिकारियों को भी दाल में काला नजर आ रहा था, तभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीड़िता को बड़ी राहत देते हुए इस मामले का संज्ञान लिया और सीबीआई को फरमान सुनाया कि फौरन आरोपी विधायक को गिरफ्तार करें। सीबीआई ने अलग से प्राथमिक दर्ज की और सेंगर को गिरफ्तारी के बाद 1 सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया। मामले को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा था लिहाजा सीबीआई की टीम भी तेजी से काम कर रही थी। सीबीआई ने जांच के बाद पीड़िता के बलात्कार के आरोप की पुष्टि कर दी। आरोपी विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों के से बच्चों को संरक्षण की 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पहले तो विधायक सेंगर के भाई अतुल ने पीड़िता के पिता को बेरहमी से पीटा, फिर उसे साजिश के तहत झूठे मामलों में फंसाकर पुलिस थाने भिजवा दिया जहां उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में बहुत बाद में अतुल को गिरफ्तार किया गया। जब विधायक सेंगर जेल चला गया तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो जेल में रहकर भी पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ साजिश रचता रहा। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता के अपने चाचा चाची और वकील के साथ उनकी कार में केस के सिलसिले में यात्रा कर रही थी, तभी हाईवे पर एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी जिससे पीड़िता के परिजनों की मौत हो गई जबकि वो और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस मामले में सेंगर पर हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी के लिए मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में सेंगर के भाई मनोज सिंह सेंगर, शशि सिंह और उनके सहयोगियों सहित 10 लोगों पर नामजद किया गया। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।